नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। बिग स्टोरी बिग डिबेट में एक बार फिर आज हम पाकिस्तान को घेरने जा रहे थे, जैसा अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा। लेकिन जब घर में ही घमासान कोई छेड़ दे तो पहले चर्चा उस पर जरूरी हो जाती है। देवरिया से दिल्ली रैली कर लौटे कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा आरोप लगाया है, बड़ा विवादित बयान दिया उन्होंने। उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार जवानों के पीछे छुपने की कोशिश कर रही है, उनके खून की दलाली कर रही है। इससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक पर मोदी सरकार की तारीफ कर चुके हैं राहुल गांधी, और अब मोदी सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए दलाली का आरोप लगाया, जवानों के खून के पीछे छिपने का आरोप लगाया। हम आपको राहुल गांधी का आज का बयान और 30 सितंबर का बयान दोनों सुनाएंगे। लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि आतंकवाद पर पाकिस्तान अब अपने घर में गिर गया है। पीओके में टेरर कैंपों को हटाने के लिए आवाम ने प्रदर्शन किया है, और खुद नवाज शरीफ की पार्टी में यह आवाज उठने लगी है कि आखिर हाफिज सईद को हम क्यों पाल रहे हैं, आखिर हम ऐसे नॉन स्टेट एक्टर्स को क्यों नहीं काबू में कर पा रहे, या उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रहे। तो ये दो बड़े मुद्दे हैं, इन पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले सुनिए क्या कहा राहुल गांधी ने। जो हमारे जवान हैं जिन्होंने अपना खून दिया है जम्मू कश्मीर में, जिन्होंने अपना खून दिया है, जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए सर्जिकल स्ट्राइक किया है, उनके खून के पीछे आप छुपे हुए हो, उनकी आप दलाली कर रहे हो, ये बिल्कुल गलत है। हिंदुस्तान के सेना ने हिंदुस्तान का काम किया है, आप अपना काम कीजिए। देना चाहता हूं कि उन्होंने 2.5 साल में पहला एक्शन लिया है जो प्रधानमंत्री के लायक एक्शन, और मेरा उनको पूरा समर्थन है, और पूरा हिंदुस्तान, कांग्रेस पार्टी, पूरा हिंदुस्तान उनके साथ इस बात में खड़ा हुआ है। तो सुना आपने राहुल गांधी ने आज क्या कहा, और ठीक जिस दिन सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उसके बाद राहुल गांधी का क्या बयान आया था, और दो दिन में इतना पैराडाइम शिफ्ट आखिर क्यों, ये कैसी सियासत। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए इस वक्त यहां पर चरण सिंह सापरा हैं, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन। मेरे साथ नरेंद्र तनेजा, स्पोक्स पर्सन बीजेपी, थोड़ी देर में जुड़ेंगे। सुशील पंडित रूट्स इन कश्मीर से हैं। शशांक जी हैं, फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी। बीडी मिश्रा हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। मेजर जनरल रिटायर्ड विशंबर दयाल मेरे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे, डिफेंस एक्सपर्ट। लेकिन आप सभी का स्वागत है। लेकिन चरण सिंह सापरा साहब, दो दिन पहले आप जिस प्रधानमंत्री की तारीफ करते हैं, जिस प्रधानमंत्री के काम को आप 2.5 साल में पहली बार किया गया अच्छा और सही काम ठहराते हैं, दो दिन में उत्तर प्रदेश से दिल्ली आते आते वो काम आपको दलाली लगने लगता है, चरण सिंह सापरा? देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा जहां तक पाकिस्तान का मामला है सरकार का समर्थन किया है, सर्जिकल अटैक्स में भी किया है, और आज भी कर रही है और आगे भी करेंगी। लेकिन सवाल ये आता है कि जब सत्ताधारी पार्टी सर्जिकल ऑपरेशन को एक पॉलिटिकल ऑपरेशन यानी पॉलिटिकल माइलेज लेने के चक्कर में जब चल जाए, जब उस मार्ग पर चल जाए, तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ इस तरह की बातें आएंगी, क्योंकि पिछले कई दिनों से देखा जा रहा है। चरण सिंह सापरा साहब, मैं बिल्कुल नहीं टोकना चाहता आपको सर, मैं बिल्कुल नहीं टोकना चाहता आपको, लेकिन एक चीज कहना चाहता हूं। आप बोलिए सर, मेरी बात सुनिए। मैं बिल्कुल नहीं टोकना चाहता आपको, लेकिन आपको याद होगा जिस दिन संजय निरुपम ने सर्जिकल स्ट्राइक को फर्जी ठहराया था और सबूत मांगा था, आप मेरे साथ इसी डिबेट शो में बैठे हुए थे, आपने कहा था संजय निरुपम के बयान को हम नहीं बाय करते, संजय निरुपम के बयान को कांग्रेस अलग करती है और संजय निरुपम अपने बयान के लिए खुद जिम्मेदार है। आज तो ऐसा लगता है कि संजय निरुपम के बयान को आपकी पार्टी ने बुलवाया। आज ऐसा लगता है कि राहुल गांधी संजय निरुपम के बयान को पहले बुलवाकर देखना चाहते थे कि इसका क्या रिएक्शन है, और आज राहुल गांधी और संजय निरुपम के बयान में क्या अलग है, बताइए जरा। नहीं, बिल्कुल मैं बताता हूं क्या अलग है। देखिए, पिछले 4-5 दिन से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता अलग अलग मंच पर जाके इसका पॉलिटिसाइजेशन कर रहे हैं, जीवीएल राव ने क्या कहा परसों, उन्होंने कहा कि इंडिया हैड नो मसल फॉर 70 इयर्स। क्या ये आर्मी का अपमान नहीं है? इससे पहले जो लड़ाइयां हुई है 48 की, 65 की, 71 की, या कारगिल की लड़ाई, क्या आपने उन बहादुर जवानों का अपमान नहीं किया? क्या आपने विक्रम बत्रा का और कारगिल के शहीदों का अपमान नहीं किया ये कहके? और जब आप ये बातें कह रहे हैं, आप साइकोफेंसी में ये भी भूल गए कि कारगिल के समय तो आप ही की सरकार थी अटल। मुझे एक बात बताइए,
तो मुझे एक बात बताइए, चरण सिंह सापरा, चरण सिंह सापरा जैसे आपकी पार्टी में संजय निरुपम जिनसे जिनके बयान को आप नहीं मानते, मनोहर परिकर नहीं, संजय निरुपम के बयान को जितना आप नहीं मानते उतना हो सकता है दूसरी पार्टी में भी कुछ ऐसे लोग हो जो इस लायक काम कर रहे हो। मनोहर परिकर सीधे प्रधानमंत्री पर सवाल उठा देना उस वक्त जब दुश्मन देश से इतनी टेंशन हो, उस टाइम जब आप कह रहे हैं कि हम सब साथ हैं, एकदम से आपने सेना को पॉलिटिक्स में घसीटते हुए आपने प्रधानमंत्री पर सवाल उठा दिया। आप मत जोड़िए कि बीजेपी से है कि कांग्रेस से है, प्रधानमंत्री पर आपने दलाली करने का आरोप लगाया है और मुझे नहीं याद है कि सेना के खून की दलाली करने जैसा आरोप नियर फ्यूचर में या नियर पास्ट में इससे पहले या लगा होगा या लगेगा जिस तरह से आपने कहा है। मैं आपको जवाब देता हूं। देखिए, सवाल यह है कि जब देश के रक्षा मंत्री प्रधानमंत्री के बाद में नंबर टू जो पद है वो रक्षा मंत्री का, और ऐसे संवेदनशील मौके पर मनोहर परिकर जी के बार बार किस तरह के स्टेटमेंट आ रहे हैं ये आप भी देख रहे, सारी दुनिया देख रही है। उनका एक स्टेटमेंट था, इंडियन ट्रुप्स वर लाइक हनुमान हु डिड नॉट क्वाइट नो देयर पावर्स बिफोर द सर्जिकल स्ट्राइक, आई मेड आर्म्ड फोर्सेज रियलाइज देयर पावर। क्या ये सेना का अपमान नहीं है? क्या उन्होंने सेना का ये नहीं कहा कि आपके पास में पहले ताकत दी है? और मनोहर परिकर आज आगरा में जाके अपना सत्कार करा रहे हैं, मनोहर परिकर आज आगरा में जाकर के अपना सत्कार करा रहे हैं, उनको ये समझना चाहिए। अगर सत्कार कराना तो आसाम में क्यों नहीं करा रहे, केरला में क्यों नहीं करा रहे, तमिलनाडु में क्यों नहीं करा रहे, जिन पांच राज्यों में चुनाव इसी शो में पोस्टर मेरे साथ नरेंद्र और मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूं, किया हुआ लेकिन आपको बता दूं, आपको बता दूं इसी शो में, इसी शो में मैंने बीजेपी के दोनों लीडर से दोनों दिन पूछा कि आपके नेता इस मुद्दे को बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर और गोवा में बैनर लगे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक को क्रेडिट लेने की कोशिश की जा रही है। मैंने सवाल पूछा था, लेकिन लेकिन सप्रा साहब खून की दलाली, जवानों की खून की दलाली, 10 सेकंड सुनिए, आर दे अप्रोप्रिएट वर्ड्स? मैं सुनता हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, मनोहर परिकर क्या ये अच्छा लगता है कि देश का रक्षा मंत्री अभी उड़ी के जवानों की चिता की आग ठंडी नहीं हुई है और हमारे देश के रक्षा मंत्री जाते अपने गले में हार डलवाते हैं, उड़ी के शहीदों की फोटो पर फूल मालाएं डालने का समय है, आप अपने गले में हार फूल डलवा रहे हैं? नरेंद्र तेजा नहीं आती, नाउ डिबेट इज ओपन, नरेंद्र तेजा आप जवाब दीजिए, सभ्यता है क्या ये? नरेंद्र तेजा जवाब दीजिए, और बड़ा आरोप है आपकी पार्टी के, देख रहा है आपकी पार्टी के लीडर ही नहीं देश के प्रधानमंत्री पर की खून की दलाली कर रहे हैं, जवाब दीजिए नरेंद्र तेजा, जवानों के खून की दलाली, इनको चुप, इनको ये देखिए, कांग्रेस जितना ज्यादा बोल रही है, मैं कहता हूं सारा समय इनको दे दीजिए, जितना ज्यादा ये बोल रहे हैं अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं बल्कि सारे बम फेंक रहे हैं, क्योंकि ये सारी पाकिस्तान की आवाज बोल रहे हैं, ये पाकिस्तान के प्रवक्ता बैठे हुए हैं वहां, कांग्रेस के नहीं है। क्या कोई राष्ट्रीय दल देश का आपके पास और कोई बात नहीं करने के लिए ऐसे शब्द का प्रयोग करेगा? लोकतंत्र के अंदर ये बीच में ना बोले, पाकिस्तान से जोड़ देते हैं, सभ्य हो जाए, लोकतंत्र है या हिटलर शाही है? गौरव ये बोलेंगे भी, जब इनको मैंने सुना लोकतंत्र है, इनको मैंने सुना, इनको कहिए सभ्यता, और लोकतंत्र के नाम पे आप कुछ भी कर जाइए। एक सप्रा साहब सुन लेते हैं, सप्रा साहब सुन लेते हैं, नरेंद्र ने जवाब दीजिए, जब ये चुप हो जाए मुझे बता दीजिए, सप्रा साहब सुन लेते हैं, नरेंद्र ने जवाब दीजिए। अच्छा, दूसरा गौरव, मैं देखिए ये जो हिटलर शाही की बात कर रहे हैं, इनको अपनी पार्टी का इतिहास नहीं पता, इस देश में इसी ने इमरजेंसी लगाई थी, ये हिटलर वाले तो ये हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इनको ये पच नहीं रहा, नहीं नहीं, नरेंद्र तेजा सीधा आरोप है कांग्रेस का कि आप पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, नरेंद्र तेजा आप सर्जिकल स्ट्राइक की क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार कराया, इनको चुप कराइए, एक मिनट चरण सिंह सापरा, नरेंद्र तेजा, गौरव इनको चुप कराइए, इनको चुप कराइए, इनको ये सपड़ा साहब बोलते रहेंगे तो पार्टी के 44 की जगह 400 के सरकार का जवाब दीजिए, भस्मा सो रहे हैं, अपनी पार्टी को खत्म कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी जहां तक इन्होंने कहा कि देखिए इनको पता ही नहीं है कि पॉलिटिसाइजेशन की परिभाषा इनको नहीं पता, अगर इसको ये पॉलिटिसाइजेशन बोलते हैं तो इसका मतलब ये हुआ इनको इसकी परिभाषा नहीं, इसको इनका जवाब पूरा देश दे रहा है, जो आपके दर्शक सुन रहे हैं उनका खून खौल रहा होगा कि ये कांग्रेसी किस तरह की भाषा बोलते हैं, ये पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, पाकिस्तान के प्रवक्ता बन के आते हैं, देशवासी इनको कड़ा जवाब देंगे अगला जब भी। अरे आप मनोहर परिकर का जवाब दीजिए ना, आप प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया, प्रधानमंत्री का जवाब दीजिए ना, कहां घुमा रहे बातों को, प्रधानमंत्री ने ये कहा ठीक है,
नरेंद्र तनेजा मैं आऊंगा आपके पास, नरेंद्र तनेजा और सरन सिंह साबराज आऊंगा आपके पास, लेकिन लेकिन बीडी मिश्रा मैं आपके पास नहीं। गौरव मुझे नहीं 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 गलत नहीं 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 आप ये असभ्यता डायलॉगबाजी से काम नहीं चलता। सर सर चरण सिंह साबरा और नरेंद्र तनेजा सुनिए कराइए, ये पाकिस्तानी प्रवक्ता को चुप कराइए, ये पाकिस्तानी प्रवक्ता को चुप कराइए। नहीं नहीं ठीक है, एक मिनट बोल रहे हैं, एक मिनट नरेंद्र तनेजा, नरेंद्र तनेजा एक मिनट, आप सवालों का चरण सिंह साबरा एक मिनट मनोहर पर्रिकर ने क्या कहा इस पर सवाल उठ रहा है, एक मिनट मनोहर पर्रिकर ने क्या कहा इस पर सवाल उठ रहा है, हम वो भी बताएंगे, लेकिन एक एक कमेंट में यहाँ पर बीडी मिश्रा से लेना चाहता हूँ, और बीडी मिश्रा कौन सा, नहीं एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट नरेंद्र तनेजा एक मिनट आ रहा हूँ नरेंद्र तनेजा आ रहा हूँ बीडी मिश्रा साहब, बीडी मिश्रा साहब तो इटालियन पार्टी क्या हो रहा है, इनको भारतीय बारे में कुछ पता ही नहीं, एक मिनट नरेंद्र तनेजा तो पिज्जा और पास्ता वाली पार्टी है, नरेंद्र तनेजा एक मिनट बीडी मिश्रा साहब क्या हो रहा है, कैसी सियासत है जहाँ सेना सेना पर क्रेडिट लेने की और सेना को जाति सियासत खींचने की हो रही है, ये कैसा बयान है राहुल गांधी का, इस पर मत करिए, इस पर एक सैनिक के तौर पर आपका क्या रिएक्शन है साहब, आप एक मिनट नरेंद्र तनेजा सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, मैं एक एग्जांपल दूंगा, 1984 में मैं स्टाफ कॉलेज में विलिंगटन में डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज विलिंगटन में मैं इंस्ट्रक्टर था, वहां पर उस वक्त के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह आए थे, और जब वो डायस पर बोल रहे थे हिंदुस्तानी में बोल रहे थे तो अपनी तकरीर में सबसे पहले यही कहा कि हमको ये एक माखनलाल चतुर्वेदी की कविता याद आती है, और उस कविता को उन्होंने सुनाया, उसमें यह कहा कि मुझे तोड़ लेना बनमाली और देना उस पथ पर फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। और आज हमको एक शेर याद आता है कि किस हाथ पर अपना लहू तलाश करूं, किस हाथ पर अपना लहू तलाश करूं, तमाम शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने। मुझे अफसोस होता है, मुझे बड़ा रोष है, बड़ा आश्चर्य है, और मुझे सतर्क फौज को सतर्क रहने का की बड़ी आवश्यकता है, और संदेह सतर्क है, और आज फौज ने तो आज सतर्कता का बहुत अच्छा उदाहरण पेश किया है, और दो जगह अटैक हुए, दोनों अटैक को नाकाम किया गया, इस सब के साथ साथ लेकिन पॉलिटिशियन क्या हो रहा है, जो संदेह हो रहा है पॉलिटिशियन क्या कर रहे हैं, जो संदेह हो रहा है वो ये हो रहा है कि क्या देश हमारे साथ खड़ा है, अगर ये सब बातें होंगी तो क्या देश खड़ा होगा। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा, मैं ये समझता हूं कि दलाली और हनुमान जी में फर्क है, अगर कोई आदमी यह कंपेयर, क्योंकि मैं हिंदू हूं हनुमान जी के बारे में जानता हूं और मुझे मालूम है कि हनुमान जी की क्या के बारे में उनके करेक्टरिस्टिक के उनके ट्रेट्स के बारे में क्या बातें हैं, और यह भी मैं जानता हूं दलाली क्या होती है और फौज के खून के दलाली क्या होती है, मैं समझता हूं कि यह सब बातें बंद हो और फौज को अपना काम करने दे, उनका मनोबल करें। उस वक्त मैं आपको लाऊंगा सुशील पंडित, फिर शशांक जी आपके पास आऊंगा, उस वक्त सुशील पंडित जब हमारे दोनों देशों के बीच इतनी टेंशन चल रही है, उस वक्त जब हम पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं, उस वक्त जब देश में टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं और ये प्रूव हो रहा है कि वो पाकिस्तान से आ रहे हैं, ये प्रूव हो रहा है कि उनके पास पाकिस्तान की आर्टिलरी पाकिस्तान का फूड और पाकिस्तान मेड सामान है, उस वक्त जब पाकिस्तान एक बार फिर से कश्मीर का राग और बुरहान वानी को हीरो बता रहा हो, क्या ऐसी सियासत होनी चाहिए? देखिए पाकिस्तान हमारी सरहद पर ही नहीं है, पाकिस्तान इस देश के अंदर भी है, और हमारी सेना आज दोनों मोर्चों पर लड़ रही है, देश के भीतर आतंकवादियों से लड़ रही है, देश के भीतर विध्वंसकारियों से लड़ रही है, और सीमा के पार जाकर के जब जरूरत पड़ती है तो वहां के कैंपों पर को भी ध्वस्त कर रही है। देश की सेना तो पाकिस्तान और पाकिस्तानी तत्वों की ईंट से ईंट बजा रही है, लेकिन यहाँ जो पाकिस्तान समर्थक तत्व हैं वो गाल बजा रहे हैं, वो देश का मनोबल कम कर रहे हैं, वो देश में एक भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं। आज जब एक राजनीतिक एका की आवश्यकता है और एक बहुत साफ सुथरी समझ और सोच की आवश्यकता है, एकाग्रता की आवश्यकता है, सबको कमर कसने की आवश्यकता है, तब इस तरह का प्रलाप बहुत अधिक दुर्भाग्यपूर्ण है। आज हम देश के नेतृत्व से केवल एक मांग करते हैं, आप अगर सेना के कदम से कदम चरण सिंह साबरा मैं चाहूंगा आप सुनिए इस बात को ना बटा सके, चरण सिंह साबरा मैं चाहूंगा आप सुनिए इस बात को और फिर मैं आपसे रिप्लाई लूंगा इस बात का। एक संयम एक आत्म अनुशासन की आप मिसाल पेश कीजिए, कुछ समय मौन रहिए और देश का मनोबल
देश की एकाग्रता भंग मत कीजिए। यह देश चुनाव आएंगे जाएंगे, लोग जीतेंगे हारेंगे, आज देश अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। देश पिछले 10 साल में सेना की तैयारी को कैसे कमजोर किया गया, आज उस सब पर काबू पाकर फिर से अपनी शक्ति अर्जित कर रहा है, अपनी सामर्थ्य बढ़ा रहा है, अपनी तैयारी कर रहा है। कृपया उसके रास्ते में ना आए। आपको बहुत मौके मिलेंगे चुनाव लड़ने के, चुनावों में अभी बहुत देर है। इतनी उतावली और अधीरता अच्छी नहीं है, शोभा नहीं देती है। और आप एक निरंतरता, एक स्थिरता रखिए अपने आकलन में भी। 24 घंटे के अंदर 180 डिग्री का पलटना, यह भी शोभा नहीं देता। रिप्लाई कीजिए चरण सिंह साबरा, चरण सिंह साबरा रिप्लाई कीजिए। 180 डिग्री पलट गया आप 24 घंटे में। जिस संजय निरुपम को आपने कहा कि हम उनके बयान को सीरियसली लेते हैं, उसी लाइन पर आपके वाइस प्रेसिडेंट पार्टी के युवराज चल पड़े। नहीं, आप इसको थोड़ा सा गलत सेंस में ले रहे हैं। मैं इसमें क्लैरिटी लाता हूं। सुशील पंडित जी ने जो कहा कि एकता एकाग्रता रहनी चाहिए, मैं इससे सहमत हूं। लेकिन एकता एकाग्रता लाने के लिए सर्वप्रथम जिम्मेवारी होती है जो मौजूदा सरकार, इस देश का आदमी बेवकूफ नहीं है, टोकिए मत। जब सत्ताधारी पक्ष है उसकी जिम्मेवारी होती है। एक अभी आप मुझे टोकेंगे तो फिर बात नहीं बनती। देश टोक नहीं रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, मैं आप बोल लीजिए। सबसे पहला ये दायित्व बनता है कि वो एकता और एकाग्रता को मेंटेन करे। ये सत्ताधारी पार्टी का विषय होता है। जब सत्ताधारी पार्टी ही आर्मी जो है वो एक नेशनल एसेट है, नेशनल एसेट को एक पॉलिटिकल माइलेज के लिए यूज करेगी, एक पॉलिटिकल लीवरेज लेने के लिए यूज करेगी, तब ऐसी स्थिति निर्माण होती है। अच्छा, मुझे जल्दी अटैक होता है अगर वो माइलेज सर्जिकल अटैक्स के लिए। एक मिनट सुनिए, अगर वो चरण सिंह साबरा, चरण सिंह साबरा मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। पाकिस्तान में पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है और इमरान खान उसको बायकॉट करते हैं। वो कहते हैं कि हमें अपने प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं है। क्या राहुल गांधी ने आज वही काम नहीं किया है प्रधानमंत्री पर इस वक्त वो सवाल उठाकर? और क्या अंतर रह गया आपकी और पाकिस्तान की इमरान खान की पार्टी की राजनीति में? आप उस वक्त देश के प्रधानमंत्री पर सवाल उठा रहे हैं जब देश को एक होने की जरूरत है। लेकिन इमरान खान ने यह नहीं कहा कि आर्मी जवाब दे या आर्मी सबूत पेश करे। इमरान खान ने यह कहा कि यह बेईमान नहीं, नहीं, नहीं। आप में और उनमें क्या अंतर है क्या चरण सिंह साबरा, बताइए? आप तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। नहीं नहीं, इमरान ने अपनी आर्मी को नहीं कहा कि आर्मी का खून, आर्मी के खून पर यह दलाली हो रही है। मेजर पाकिस्तान के प्रवक्ता है मेजर साहब, ये पाकिस्तान। मैं मेजर साहब नहीं हूँ, आप हमको एड्रेस मत करिए, एंकर को करिए। आप एंकर को करिए। ये पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। एक मिनट अंतर है। दो तीन बातों के अलावा बीजेपी के पास में कोई उत्तर नहीं है। नहीं, आप दे दीजिए। सवाल ये है कि जब सर्जिकल स्ट्राइक्स का आप क्रेडिट लेना चाहते हो बैनर और पोस्टर के जरिए से, तो सर्जिकल स्ट्राइक्स के अलावा जो काम हुए हैं, जो उड़ी में जवान शहीद हुए, जो पठानकोट अटैक हुआ, जो उधमपुर हुआ, गुरदासपुर हुआ, पुलवाड़ा हुआ, पूंछ हुआ, तो ये सबका मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सरकार को उठाना चाहिए, आदरणीय प्रधानमंत्री को उठाना चाहिए। सर्जिकल स्ट्राइक का क्रेडिट आप लेना चाहते हैं पोस्टर बैनर के जरिए से चीप पॉलिटिक्स करके। जवाब दीजिए। 70 जवान जवाब दीजिए मरे हैं, उसकी मॉरल जवाब दीजिए भारतीय जनता पार्टी लेगी कि नहीं लेगी? ये इनको चुप कराइए, मैं जवाब देता हूं। देखिए, प्रधानमंत्री ने कल बिल्कुल स्पष्ट क्या बोला, प्रधानमंत्री के लेवल पर यह वक्तव्य दिया गया है कि आप मतलब अपनी इस बात को लेकर के छाती पीटने की जरूरत नहीं है, और यही बात पार्टी की है। अब समस्या क्या हो गई है कि हमारी सरकार का कोई भी काम करे, इनको यह बर्दाश्त ही नहीं होता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैसे बन गई। असली प्रॉब्लम यह है, अब जनता ने बनाई है, और इसका मतलब ये इस हद तक जा गए हैं कि देश की सिक्योरिटी के साथ ये कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। ये वो वक्तव्य दे रहे हैं जो पाकिस्तान की हेल्प कर रहा है, ये वो वक्तव्य दे रहे हैं जिससे कि लोग डिमोरलाइज हो, ये वो वक्तव्य दे रहे हैं हमारे आम उड़ी के जो जवान शहीद। सर, आप उड़ी पे जा रहे हैं। एक मिनट मेरे साथ, एक और 15 फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी शशांक जी हैं, मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। चरण सिंह साबरा, एक मिनट चरण सिंह साबरा, आप टोक रहे हैं
चरण सिंह साबरा आप टोक रहे हैं, नरेंद्र तनेजा की बात पूरी हो जाए, एक मिनट चुप कराइए, चरण सिंह साबरा आप टोक रहे हैं, नरेंद्र तनेजा की बात पूरी हो जाए, नरेंद्र तनेजा बोलिए, चुप कराइए। अच्छा दूसरा, जल्दी पूरी कीजिए बात, नहीं मेरी बात सुनिए। अच्छा देखिए, इस देखिए जो यूपीए 2 और यूपीए 1 में जो इनकी कॉन्स्पिरेसी थी कि आर्म फोर्सेस को कमजोर करो, इन लोगों ने कॉन्स्पिरेसी के तहत आर्म फोर्सेस को कमजोर किया। आज जब आर्म फोर्सेस को मजबूत किया जा रहा है, पाकिस्तान दहशत में है, यह पाकिस्तान की जवाब द्वारा बोल रहे हैं, शक होता है कि जो इनकी कॉन्स्पिरेसी थी कि आर्म फोर्सेस को कमजोर करो, इसका जवाब दूंगा, देश को जवाब दीजिए उस बात नहीं, चरण सिंह साहब जवाब दीजिएगा, आई विल कम टू यू, बट मेरे साथ शशांक जी है और बहुत देर से मैंने उनसे एक भी सवाल नहीं पूछा है, एक मिनट चरण सिंह साहब जवाब लूंगा, मैं आपको मौका दूंगा, लेकिन शशांक जी दीजिए, एक मिनट चरण सिंह साहब, एक मिनट चरण सिंह साहब मैं आ रहा हूं, मैं जवाब दूंगा, लेकिन शशांक जी मेरे साथ हैं। शशांक जी आप डिप्लोमेसी को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं इस पैनल में मुझे लगता है, और मेरे ख्याल से आप इसका सही जवाब दे पाएंगे। मैं कोई पॉलिटिकल कमेंट आपसे नहीं मांग रहा, मैं कुछ दिखाना चाहता हूं अपने व्यूअर्स को। डॉन जो कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा न्यूज़पेपर है, उसने एक खबर छापी, एक्ट अगेंस्ट मिलिटेंट्स और फेस इंटरनेशनल आइसोलेशन, सिविलियंस टेल मिलिट्री, यानी वहां की जो जमहूरियत है, वहां की जो सिविल, जो वहां की एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, वो सर कह रहे हैं कि भाई टेररिज्म को अलग करिए, नहीं तो आप पूरी दुनिया में अलग हो जाएंगे। नंबर एक। नंबर दो, डॉन की एक अभी थोड़ी देर पहले की खबर है, व्हाई आर नॉट वी टेकिंग एक्शन अगेंस्ट हफीज सईद, PMLN, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, यानी नवाज शरीफ की पार्टी, लॉ मेकर आस्क, नवाज शरीफ की पार्टी के सांसद ये पूछ रहे हैं कि हम हफीज सईद पर क्यों नहीं कर रहे कोई कार्रवाई, हफीज सईद को हम क्यों पाल रहे हैं, ऐसा कौन सा वो काम देश के लिए कर रहे हैं। शशांक जी, जब पाकिस्तान में ये माहौल बन चुका हो, जब पाकिस्तान को लेकर पूरी दुनिया के बड़े बड़े देश आपके साथ हो, तो देश में क्या इस तरह की पॉलिटिक्स होनी चाहिए? जो आज हम लोगों की डिबेट हो रही है वो काफ़ी दर्शाती है देश की क्या हालत है, कि जो दिशा में हम बढ़ रहे हैं या जाना है उसको भूल कर हम आपस में तूतू मैमे में लग जाते हैं। तो इसकी वजह मेरे ख्याल से जो हमारी डेमोक्रेसी के जो खाली वो सिमट कर रह गई है चुनावों के दौरान में, तो उसको थोड़ा सा हम हमारे नेताओं को ध्यान में रखना होगा, आपस में बात करनी होगी कि दिशा जिसमें चलना चाहिए देश को उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जाए, और डेमोक्रेसी को मजबूत करना बहुत आवश्यक है, लेकिन ये सवाल रखे जाएँ कि हम अपने सेना को या जो और कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको वीकन कर रहे हैं, या अगर कोई हमारे दुश्मन हमारे को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं, कि हम दुश्मनों के लिए तो काम नहीं कर रहे हैं, तो ये बात है थोड़ा सोच में ध्यान रखें। बाकी हमारे जो जवाब दीजिए चरण सिंह साबरा साहब, जवाब दीजिए, कैसे चलना चाहिए और बहुत मजबूत करना। मैं सुशील पंडित आ रहा हूं, चरण सिंह साबरा बोल रहे हैं, फिर मैं आ रहा हूं, चरण सिंह साबरा जवाब दीजिए। देखिए जो तनेजा जी ने कहा कि 10 साल या जो भी कांग्रेस, नहीं शशांक जी ने भी कहा, उसकी बात का भी जवाब दीजिएगा, कमजोर करना भी एक स्ट्रेटजी थी, ऐसे इन्होंने आरोप लगाने का एक प्रयास किया। कांग्रेस पार्टी ने अगर कहीं पर ऐसी पॉलिसी होती कि इंडियन आर्मी को कमजोर करना है, तो हम 65 की लड़ाई नहीं जीतते, 71 की लड़ाई नहीं जीतते हम। और उसके बाद ये भी कहना चाहूंगा मैं कि अगर किसी ने इंडियन आर्मी को कमजोर करना चाहा, तो तो UPA 1 UPA 2 के अंदर भी सर्जिकल अटैक हुए, जनरल विक्रम सिंह ने कहा है, 2014 में भी हुए, 2013 में भी हुए, क्या बात कर रहे हैं सर, आप कहां जा रहे हैं, आप दूसरी तरफ जा रहे हैं, ऐसा नहीं, मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं आपसे, एक मिनट, चरण सिंह साबरा साहब सीधा सवाल छोड़ दीजिए, राहुल गांधी ने क्या कहा, बीजेपी ने क्या कहा, चरण सिंह साबरा साहब सीधा सवाल, क्या सेना पर सियासत होनी चाहिए, सीधा सवाल, हाँ या ना? सेना पर सियासत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, मैंने कहा है कि तो राहुल गांधी ने क्या किया सर, एसेट है ये, क्या है ये बयान, क्या बताता है, नहीं होना चाहिए, लेकिन जब मैं बता रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने 26/11 जब हुआ, चौथे दिन मुंबई में आके गेटवे ऑफ इंडिया पे प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो आप भी वही कर रहे हैं, और उन्होंने यूपीए सरकार और आर्मी को लताड़ा। 15 जनवरी 2013 को मोदी जी का ट्वीट है, वी आर फेसिंग मेनी अ क्राइसिस, इज ऑल दिस हैपनिंग ड्यू टू वीकनेस ऑफ अवर आर्मी। क्या उन्होंने आर्मी की तोहीन नहीं की, क्या उन्होंने आर्मी का मनोबल नहीं गिराया? अमित शाह ने 7 अप्रैल 2015 इनकी सत्ता आने के बाद, यूपीए
हम शहीद से ज्यादा बड़ा काम कर रहे हैं। क्यों अमित शाह ने सत्ता में आने के बाद कहा? अच्छा एक मिनट सुशील पंडित कुछ कहना चाहते हैं, उनकी बात सुन लेते हैं, उसके बाद हम एक रिपोर्ट दिखाएंगे और फिर उस पर भी बात करेंगे, क्योंकि उस पर बात करना भी बहुत जरूरी है। सुशील पंडित मैं आपके माध्यम से गौरव जी आपके दर्शकों को ये याद दिलाना चाहता हूँ। सुन लीजिए सपना साहब, वो जवान साहब सुन लीजिए, रिस्क लेता है ये नरेंद्र मोदी जी का वक्तव्य है। ठीक है तो सवाल उठाइए, लेकिन इस तरह से सर सवाल उठाइए, लोकतंत्र में सवाल उठाइए की बातें बता रहा हूँ, सवाल उठाइए, लोकतंत्र में आपको अधिकार है, लेकिन इस तरह से क्या लोकतंत्र के नाम पर ये शब्दावली यूज की जाएगी? पाकिस्तान का लेबल क्यों लगा रहे हैं? नहीं तो ये पाकिस्तान का लेबल बीजेपी लगा रही है, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ सियासत कैसी कर रहे हैं आप गौरव, क्योंकि आप पाकिस्तान की जुबान बोल रहे हैं, आप भी बीजेपी के प्रवक्ता बन के दिखा रहे हैं, लगा रहे हैं आज सवाल लगाने लेबल लगा, क्योंकि मैंने आपसे बहुत हार्श सवाल पूछ लिए सर, इसलिए आप लगाइए लेबल। सुशील पंडित बहुत प्रसन्न, आप दोनों पार्टियों के लिए शायद ये बात याद करना जरूरी होगा, आपके सभी सवालों का आज से 16 साल पहले जब ये देश एक युद्ध की सी स्थिति में था कारगिल में, तब भी इसी तरह का एक सवाल उछाला गया था, कहा गया था तत्कालीन रक्षा मंत्री को कि उन्होंने कफन बेचे हैं। जॉर्ज फर्नांडिस आज जिंदा हैं, बीमार हैं, इस हालत में नहीं है कि वो इस बहस में आकर के बताएं कि उन पर यह आरोप लगाया गया, ये आरोप चुनावों में उछाला गया और फिर उसके बाद यूपीए 1 ने इसकी पूरी जांच कराई और पाया कि इसमें कोई भी तथ्य नहीं था, लेकिन 4-5 साल इस देश को बरगलाया गया, इस देश की सेना का, इस देश के नागरिकों का मनोबल तोड़ा गया और व्यवस्था में उनके विश्वास को ठेस पहुंचाई गई। ये रक्षा के विषय में, सेना के विषय में व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है, देश के लिए ठीक नहीं है, कम से कम किसी मर्यादा का तो पालन करना चाहिए। उस आरोप के लिए आज तक किसी ने माफी नहीं मांगी है, इसके गलत सिद्ध होने पर, इसके तथ्य ना मिलने पर आज तक किसी ने शोक का इजहार नहीं किया है और फिर वैसा ही आरोप दोबारा लगाया जा रहा है जिसके पीछे तथ्य नहीं है, केवल फौरन तौर पर कोई राजनीतिक लाभ लेने की मंशा है। इससे बचना चाहिए, इससे लाभ नहीं मिलेगा बल्कि नुकसान होगा। सापरा जी, मैं आपको आपकी पार्टी के हित और भारत के लोकतंत्र के हित के विषय में कहना चाहता हूं आग्रह करके, इससे नुकसान होगा। पहले सत्ताधारी पार्टी को समझाइए सुशील पंडित जी। देखिए सत्ताधारी पार्टी को तो चुनावों में लोग समझा देंगे यदि उनसे कोई भी कोताही हुई। देखिए सत्ताधारी पार्टी जब गलती होती है उसका भी खामियाजा भुगतती है, जब अच्छा होता है उसका भी क्रेडिट मिलता है उसको। उड़ी के लिए, पठानकोट के लिए, पुंछ के लिए उसको कीमत अदा करनी पड़ेगी और इन्हीं कार इस सर्जिकल स्ट्राइक के लिए उसको शाबाशी भी मिलेगी। खाते में गलत भी आता है, ठीक भी आता है, लेकिन आप एक जिम्मेवार पार्टी होने के नाते आज इस स्थिति में कम से कम कुछ संयम रखिए, धैर्य रखिए, चुनाव आने पर कह लीजिएगा जो कहना है, लेकिन आज सेना अभी युद्धरत है, देश की सीमा पर अलर्ट है और आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ें हो रही हैं, हमारा एक सैनिक अभी भी पाकिस्तान के कब्जे में है, इस वक्त भारत युद्ध की स्थिति में है और हम इस देश में ये अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, इससे बचना चाहिए। और ये हम क्यों कह रहे हैं ये भी हम बताते हैं। चरण सिंह सप्रा, नरेंद्र तनेजा, मैं आपको जवाब दूंगा, ये हम क्यों कह रहे हैं ये भी बताते हैं हम आपको। सर, नवाज शरीफ की सरकार ने पहली बार सेना को चेतावनी दी है कि आतंकियों का सफाया करना जरूरी है, आतंक पर लगाम नहीं लगी तो दुनिया अलग थलग पड़ जाएगा, नंबर वन। नंबर टू, पाक के विदेश सचिव ने पीएमओ और सेना को एक प्रेजेंटेशन दिया जिसमें यह कहा गया दो एक्शन प्लान तय हुए, एक आईएसआई के डीजी और पाक एनएसए चारों प्रोविंस का दौरा करेंगे और मुंबई हमले का ट्रायल भी दोबारा शुरू होगा, पठानकोट हमले की नए सिरे से जांच होगी, नंबर टू। नंबर तीन, पीओके में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में प्रदर्शन होता है और वो प्रदर्शन कहां कहां होता है? मुजफ्फराबाद, कोटली, चिनार, मीरपुर, गिलगित, नीलम वैली, और इन प्रदर्शनों में कहा जाता है कि इन आतंकवादियों को यहां से हटाइए। नंबर चार, पाकिस्तान की जो इस वक्त सत्ताधारी पार्टी है, नवाज शरीफ की पार्टी, उसके लॉ मेकर कहते हैं कि हाफिज सईद को हमने अपने घर में क्यों पाल रखा है, उनकी मैं आपको साफ साफ यहां पर एक लाइन पढ़ के सुनाता हूं कि उन्होंने कहा क्या है। वो कह रहे हैं कि क्यों हमने हाफिज सईद को पाल रखा है एंड
विच एक्स आ हाफिज सईद लेइंग फॉर अस दैट वी आर नर्चरिंग हिम। मतलब पाकिस्तान ने पहली बार कबूल लिया है कि वो हाफिज सईद जैसे आतंकवादियों को पाल पोस रहा है। चरण सिंह सापरा, इतनी बड़ी डिप्लोमेटिक जीत, इतनी बड़ी साइकोलॉजिकल सेंटिमेंटल जीत आप हासिल कर रहे हैं जब पाकिस्तान खुद कबूल रहा है, ऐसे मौके पर क्या ये बयानबाजी होनी चाहिए? सर एक बार ईमानदारी से बताइए। देखिए, पाकिस्तान की कही हुई बातों पर अगर आपको विश्वास है तो मैं उसमें विश्वास नहीं करूंगा, क्योंकि कल तक आप सब बोल रहे थे और सभी टीवी चैनल बोल रहे थे कि पाकिस्तान सर पहली बार पाकिस्तान ने कबूला है कि हाफिज सईद को पाल रहे हैं, बोलते हैं दगेबाज है, और आज आपका ही चैनल कह रहा है ये। ऐसे पाकिस्तान ने पहले भी कहा था, पाकिस्तान ने कहा था अजमल कसाब के सब हमको वो सबूत दीजिए। क्या हुआ पठानकोट के लिए? आपने जेआईटी को आप वहां पर ले गए, जेआईटी जिसमें आईएसआई के लोग थे उनको आपने वीआईपी एक्सेस दिया, लेकिन उन्होंने आपको बुलाया नहीं। तो ये तमाम सारी बातें आपके सामने। चलिए मैं एक एक्सपर्ट व्यू लेता हूं, आप जो बात कह रहे हैं ना, मैं इस पर एक एक्सपर्ट व्यू लेता हूं। शशांक जी जो बात चरण सिंह सपरा कह रहे हैं, क्या ये एक्सेप्टेबल है? क्या इससे पहले पाकिस्तान ने कभी कबूला किया आतंकवादियों को पाल पोस रहे हैं, और क्या ये भारत के लिए बड़ी डिप्लोमेटिक जीत नहीं है? सर हम लोग अपने मीडिया की बहुत तारीफ करते हैं और खासकर आज तारीफ करने लायक कई काम हुए हैं, लेकिन डॉन में जो कुछ छपा है मेरे ख्याल से हमको पाकिस्तानी मीडिया के कुछ लोगों को भी कुछ क्रेडिट देना चाहिए कि इस तरह की बातें जो कि उनके अपने अंदरूनी गलियारों में रह सकती थी वो बाहर निकल कर आ गई हैं। ऑब्वियसली मालूम चला है, और उसमें यह भी बताया गया है कि चीन ने भी पाकिस्तान को बोला कि भाई हमको तुम बार बार कह रहे हो कि मसूद अजहर पे रोक लगाओ, हम उस पर लगाते रहते हैं बार बार रोक, हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है कि इस तरीके का काम करवा रहे हो। तो मेरे ख्याल से जो इस तरीके से जो मल्टी प्रॉन्ग्ड एक्शन लिया गया है हमको उसको मानना चाहिए, और उसके जो है जो पहले की कभी कोई कमियां रही हैं उसको बार बार उछाल कर इसको जो चीज़ कराई जा रही है या जिस दिशा में हम बढ़ रहे हैं उसको रोकने का प्रयास नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल यही विनती है, बाकी तो खैर अपनी इच्छा है, जैसे करना चाहे करें, क्योंकि लोकतंत्र प्रणाली है। नहीं सर, लेकिन सर मैं छोड़ दीजिए, राजनीति पर मत कमेंट करिए, आप मत बोलिए कांग्रेस ने क्या किया, बीजेपी ने क्या किया, ये जो सारी चीजें हम गिना रहे हैं और भी गिना सकते हैं। फ्रांसवा ओलांद का क्या कमेंट है, भारत को निशाना बनाने वाले आतंकवादी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। ब्रिटेन, रशिया, चाइना तक जिसका जिक्र आपने किया, अगर इस तरह का माहौल बन रहा है तो क्या ये डिप्लोमेटिक माहौल भारत के पक्ष में नहीं बना है? श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने कहा, बिल्कुल। बांग्लादेश, भूटान इससे पहले सार्क को लेकर हमारे साथ आ चुके थे, लेकिन सप्रा जी से ये अपेक्षा रखना है सप्रा जी से राहुल गांधी के बयान का खंडन करेंगे ये भी आपके लिए मतलब नहीं, मैंने पूछा नहीं पॉलिटिकल कमेंट, मैं भारत की डिप्लोमेसी पर आपसे सर सवाल पूछ रहा हूँ। शशांक जी, मैंने ये पूछा ही नहीं कि राहुल गांधी के बयान पर कमेंट कीजिए, मैं पूछ रहा हूँ ये सारी चीजें जो मैं गिनाई, क्या भारत के पक्ष में कोई माहौल बन रहा है? बहुत ही काबिले तारीफ ये चीजें हुई हैं, और ये मेरे ख्याल से एक तरीके से यूनिक मानी जा सकती हैं, तो इसलिए मेरे ख्याल से उसको बिल्कुल ये दिखाना कि जीरो है और कुछ भी नहीं हो रहा मेरे ख्याल से बहुत ज्यादती होगी ये तो। चलिए, और इसको जो है सबरा साहब मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि दुखती रग पे सुशील पंडित जी ने उनके हाथ रख दिया है, लेकिन सबरा साहब कम से कम आप ये तो मानते होंगे कि कभी कभी जोश में होश खो देते हैं। एक था मौत का सौदागर का बयान, आपको याद होगा 2007 में सोनिया गांधी ने दिया था, और उसके बाद क्या कांग्रेस की हार हुई थी। क्या ये मौत का सौदागर पार्ट टू नहीं बन जाएगा कांग्रेस के लिए, क्योंकि आपने सीधे सीधे सेना को घसीट लिया है पॉलिटिक्स में? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मैं यही कहना चाहता हूं, आप डिप्लोमेसी पे जो बात कर रहे थे, बाकी के जो देशों ने समर्थन किया है, जर्मनी ने, रशिया ने, यूएस ने, सभी देशों ने जो समर्थन किया है, जो पॉजिटिव दिखा रहे हैं वो ठीक है, हम उसको सपोर्ट करते हैं। जो इंडस वाटर ट्रीटी पर सरकार काम करने जा रही है उस पे भी समर्थन है, MFN पे भी समर्थन है, इसके बाद में कई और काम करने हैं। सर बड़ी हंसी आ रही है, CPEC सर बड़ी हंसी आ रही है, वो सोचना सर बहुत हंसी आ रही है, एक एक्सेस जो 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 हम जो दिखा रहे हैं, जो दिख रहा है उसको सपोर्ट करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री को सपोर्ट नहीं, वो सरकार को करने बाकी है। लेकिन जो आप नहीं नहीं जो आप पाकिस्तान की बात कर रहे थे कि पाकिस्तान ने एश्योरेंस दिए हैं, उसमें एश्योरेंस नहीं दिया, मैंने कब का एश्योरेंस दिया, मैं कह रहा हूं उनके यहां ये बात हुई है, कोई बात
मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान के मीडिया में ये खबर छपी है। इस तरह से आप कह रहे हैं, आप एक आश्वासन दे रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, पाकिस्तान कोई आश्वासन नहीं, मीडिया कोई बातचीत नहीं से आप ये खातिरदारी कर रहे हैं सर कि पाकिस्तान की सर मैं कोई आश्वासन नहीं दिया और मुझे उम्मीद भी नहीं कि पाकिस्तान जैसा देश ऐसा आश्वासन देगा। सप्रा साहब मुझे उम्मीद भी नहीं कि पाकिस्तान जैसा देश ऐसा आश्वासन देगा। लंबी चौड़ी बातें आपने पांच मिनट में कही, उसका सारांश, आपकी लंबी चौड़ी बातों का सारांश यही बनता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान दो कदम आगे आना चाहता है तो हिंदुस्तान को दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए। सर अब आप ये आपका एक सारांश निकलता है, व्याख्या करिए। आप नरेंद्र तनेजा जवाब देंगे, आप नरेंद्र तनेजा जवाब दीजिए। नहीं नहीं, मैं जवाब दूंगा लेकिन अगर आप इनको चुप रखेंगे, क्योंकि ये रेंटिंग कर रहे हैं, ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अब ये बोलते रहे, मैंने सुना है, अगर ये बीच में बोलेंगे तो ये असभ्य है। इसलिए सप्रा जी सुन लीजिए, देखिए जो हमारे जो सरकार कर रही है, या भारत प्रधानमंत्री देश सवाल पे पॉइंटेड जवाब दीजिए, पूरे देश की है। मेरी सप्रा साहब आपसे और आपकी और आपके पार्टी से आग्रह है, देश के हित को आगे रखिए, अपने जो हित है उसको पीछे रखिए। आज आप जो कुछ भी बोल रहे हैं, चैनल पर बोल रहे हैं या आपके वाइस प्रेसिडेंट बोल रहे हैं, उस सबका पाकिस्तान जो है प्रयोग कर रहा है, हमारे देश के खिलाफ प्रयोग कर रहा है। और आप जब आकर के बोलते हैं पाकिस्तान में ताड़ियां पिटती हैं और हर देशभक्त का दिल रोता है कि इस पार्टी को क्या हो गया, आप कृपया करके इस बात को समझ, राजनीति के लिए बहुत समय पड़ा हुआ है। देश तो पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों ने तब भी प्रयोग किया था जब 26/11 में नरेंद्र मोदी इंडिया गेट पर आके बोले थे। अब इनको आप चुप कराइए, अब इनको चुप कराइए पहले। सप्रा साहब सुन लीजिए, कराइए साहब, नरेंद्र तनेजा की एक बात तो तारीफ करनी पड़ेगी, उन्होंने एक बार भी बीच में टोका नहीं आया। आपको डिबेट करना नहीं आता, मैंने एक दफा नहीं बोला। नहीं सप्रा साहब, एक बार भी नहीं टोका उन्होंने। आप प्रधानमंत्री की तारीफ मत कीजिए, कम से कम एक प्रवक्ता की तारीफ कर दीजिए। दर्शकों से उन्होंने एक बार भी नहीं टोका आपको, सुन लेते हैं उनकी बात। बोलिए नरेंद्र तनेजा। एक सप्रा जी, मैं नहीं टोकता, मेरा आपके दर्शकों से आग्रह, ऐसे अनसिविलाइज लोगों को क्या जवाब देना है, दर्शक दीजिए। और मेरा सिर्फ ये कहना है कि देखिए देश के ये जो डॉन में खबर छपी है, डॉन रिस्पेक्टेबल न्यूज़पेपर है, वो कोई द नेशन नहीं है, डॉन रिस्पेक्टेबल है, पूरी दुनिया उसकी रिस्पेक्ट करती है उसको। जो आप थोड़ा गौर करिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप एकदम उसकी तारीफ करें, गौर करिए उसको। ये देश के अचीवमेंट हो रहे हैं, ये किसी पार्टी के नहीं है, ये सब लोगों के मिलके हैं, सबका उसमें योगदान है। आप क्या योगदान करते हैं इसके बारे में सोचिए। कृपया करके ऐसी बात ना करिए कि आप आके जी टीवी पे वक्तव्य दें, जी बिजनेस पे, पाकिस्तान में ताड़ियां पिटाएं और देश जो है उसका दिल दुखे। मैं एक मिनट, राजनीति ये समय नहीं, बहुत समय। मैं एक सवाल बीडी मिश्रा साहब से लेना चाहूंगा, ठीक है? बीडी मिश्रा साहब, सवाल यहां पर है कि किस तरह से सेना पर सियासत करने की कोशिश की जा रही है सर, लेकिन ये तो सवाल दूसरी पार्टी से भी पूछा जा सकता है कि आपने सर्जिकल स्ट्राइक की, आपने, प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वाकई कुछ बीजेपी के कुछ नेताओं ने भी इसको पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की, तो शुरुआत वहां भी गलत हुई, नहीं होना चाहिए किसी भी पार्टी की तरफ से, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस। देखिए मैं पॉलिटिसाइज किया गौरव, देखिए मैं सर पोस्टर लगे थे बात किया, देखिए सर पोस्ट करना पॉलिटिसाइजेशन नहीं है, पोस्टर लगे थे सर्जिकल स्ट्राइक के क्रेडिट लेने के पोस्टर लगे थे और मैं दिखा सकता हूं आपको पोस्टर थोड़ी देर में लगे। नहीं एक मिनट लेकिन ये सवाल बीडी मिश्रा बहुत देर से बैठे, उनके सवाल सुन ले, ऐसा है कि मैं कहना यह चाहता हूँ कि हर चीज पर सियासत हो रही है, लेकिन कम से कम फौज पर तो ना हो। सियासत हुई जब मोदी जी हर जगह जाने लगे, विदेशों में गए, मैं समझता हूं कि वो इन्वेस्टमेंट था, आज उसका रिजल्ट दिखाई पड़ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। जहां पर प्रशंसा होनी चाहिए वो होनी चाहिए, लेकिन जो शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं ये बहुत गलत हो रहे हैं। ये जो दलाली शब्द है दो ही बार इस्तेमाल हुआ है फौज के कॉन्टेक्स्ट में, एक बोफर्स में और एक आज, और दोनों समय ये यूज हुआ होना चाहिए था क्या? चरण सिंह सापरा, क्या ये शब्द सूट करता है? सर आपको सवाल उठाना है, आपके पास दूसरे शब्द भी हैं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल क्या सही है? देखिए बोफोर्स की आपने बात की तो मेरे को याद आया कि बोफोर्स के समय में भी कांग्रेस पर कितने लाछन लगे थे, कांग्रेस के नेताओं पर, हमारे वरिष्ठ नेताओं के ऊपर लाछन लगाए थे भारतीय जनता पार्टी ने,
और उसका क्या नतीजा निकला, जिस तरह से सुशील पंडित जी ने कॉफिन की बात की कि कुछ भी नहीं निकला उसमें से और बदनामी हुई, यही बोफोर्स में भारतीय जनता पार्टी ने किया और यही बोफोर्स थी जिसकी वजह से हम कारगिल का युद्ध जीते और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उसी बोफोर्स की तारीफ की जो जिस बोफोर्स गन की पार्लियामेंट में खड़े होकर तोहीन की थी। ये कम रेंज वाली है, ये कमजोर बंदूकें हैं, तो इस तरह की बातें तभी बोफोर्स के बारे में हुई थी। आज भारतीय जनता पार्टी ने अगर वीपी सिंह ने किया था उन्होंने सारा लीक किया था, आपको पढ़ लिख के नहीं आते ऐसे डिबेट करने। सुनिए, वीपी सिंह ने बोफोर्स में सारा किया था। वीपी सिंह अगर भारतीय जनता पार्टी को क्रेडिट लेना है आज की तारीख में, अगर भारतीय जनता पार्टी को क्रेडिट लेना है, आपको दलाली मेरी बात सुनिए तनेजा साहब, बहुत पते की बात बोल रहा हूँ, आपको काम में आएगी, सुन लीजिए, आपको काम में आएगी मेरी बात। अगर भारतीय जनता पार्टी को अगर भारतीय जनता पार्टी को सच में क्रेडिट चाहिए तो जो महाराष्ट्र का जवान चंदू चव्हाण जो सरहद के उस पार पाकिस्तान की गिरफ्त में है, उसको छुड़ा के आपकी सरकार लाए तो कांग्रेस का पार्टी भी आपको सलाम करेगी और पूरा देश आपको सलाम करेगा। सलाम तो राहुल गांधी ने तब भी किया था जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी जवान को वहां से। एक मिनट नरेंद्र जाए एक मिनट चरण सिंह साबरा, वो क्या था जब राहुल गांधी ने कहा था कि 22 साल में पहली बार नरेंद्र मोदी ने अच्छा काम किया, इस देश के प्रधानमंत्री ने अच्छा काम किया, वो क्या था जरा बताइए? क्या वो सलाम नहीं था? क्या वो तारीफ नहीं थी इस देश के प्रधानमंत्री की? दो दिन में आपके पास ऐसा कौन सा सबूत आ गया जब आप ये सवाल उठाने लग गए कि इस देश का प्रधानमंत्री जवानों के खून की दलाली कर रहा है? और उसी दिन जब इतना ज्यादा कश्मीर में टेंशन हो, हंदवाड़ा में 3 आतंकवादी मार गिराए गए, नौगाम में 4 आतंकवादी मार गिराए गए, आपकी पॉलिटिक्स अगर नहीं सक्सेसफुल हो रही तो कुछ भी करेंगे? दो दिन पहले आप जिसकी तारीफ कर रहे हैं, दो दिन में ही आपको वो दलाल लगने लग गया। देखिए कि राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री जी की तारीफ की, ये बात सत्य है, आप भी मानते हैं और वो तारीफ आज भी करेंगे, लेकिन जो ये पिछले दिनों में जिस तरह से आपने कहा कि वहां पर कार्रवाई हो रही है, टेररिस्ट अटैक हो रहे बार बार, और ऐसी परिस्थिति में इस तरह की राजनीतिक परिस्थिति बन रही है, राजनीतिक नेता बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सत्ताधारी पार्टी जो है वो इसको सर्जिकल अटैक का पॉलिटिकल एडवांटेज लेना चाहती है, पॉलिटिकल आप पे आरोप क्यों ना लगे कि आप नहीं ले रहे, माइलेज लेना बंद। सुशील पंडित कुछ बोलना चाहते हैं, सुशील पंडित जवान है उनको श्रद्धांजलि दे, आप केवल कांग्रेस को विपक्ष ऑपोजिशन को पॉइंट आउट नहीं कर सकते। नहीं, मैंने तो सवाल पूछा कि बड़ी जिम्मेवारी है जिस दिन प्रधानमंत्री ने कहा उस दिन उस पर भी सवाल उठाएंगे, जिस दिन प्रधानमंत्री ने कहा उस दिन भी सवाल उठाएंगे। चरण सिंह साबरा साहब का काम है, जिस दिन प्रधानमंत्री कहेंगे कि मैंने सर्जिकल स्ट्राइक करके बहुत बड़ा काम किया, मैं उस दिन भी सवाल उठाऊंगा। लेकिन सुशील पंडित सपरा जी, भारतीय जनता पार्टी बंद करे, सपरा जी मोदी जी को अपने आप सब तारीफ करेंगे, सपरा जी एक मिनट, आप फोर्सेस ने काम किया देश, आपने आपने सपरा जी आज इतने शिष्ट तरीके से, इतने सभ्य तरीके से ये कहा कि ये राजनीतिक लाभ लेने का विषय नहीं है, राजनीतिक लाभ नहीं लिया जाना चाहिए, सार्वजनिक रूप से इसका क्रेडिट नहीं लिया जाना चाहिए, आपने बड़े शिष्ट तरीके से कहा। यही शिष्टाचार आपके नेता के मुंह से क्यों नहीं झलकता है? खून की दलाली जैसे शब्द उनके मुंह से क्यों आते हैं? आप इस बात पहला दायित्व सत्ताधारी पार्टी का, रूलिंग पार्टी का बनता है, ये भी मैंने कहा है, भी जोड़ी है साथ में। भाषा में सभ्यता किसी और की जिम्मेवारी हो, आपकी ना हो, ऐसा भी नहीं होता है। आपने कुछ भी कहना है, आलोचना करनी है, उसका एक शिष्ट तरीका होता है, जैसे आपने की। आपने अभी कहा ना कि इसका क्रेडिट नहीं लेना चाहिए, अभी युद्ध चल रहा है, इस पर अपनी छाती नहीं ठोकनी चाहिए। आप इसी भाषा में, इसी सभ्य भाषा में, सार्वजनिक व्यवहार में कीजिए ना। आपका डिस्कोर्स इतना भद्दा क्यों हो जाता है? ये शब्द आप कहां से चुन के लाते हैं? उनके मुंह में कौन रखता है? किस कंसल्टेंट ने उनको ये बताया कि आप ऐसी भाषा बोलिए? इससे मिजाज बिगड़ता है देश का, इससे पूरा स्तर जो है नीचे आता है पब्लिक डिस्कोर्स का।
आप जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं वही अगर आपके नेता करते तो इतना बुरा नहीं लगता। चाहे मेरी बात का बुरा नहीं लगेगा आपको, बहुत अच्छा मार दिया आपने इनको। नो ऑफेंस, नो ऑफेंस सर, लेकिन नरेंद्र तनेजा कुछ कहना चाहते हैं, नरेंद्र तनेजा कुछ कहना चाहते हैं। यही कहने जा रहा हूं मैं यही कहने जा रहा हूं। एक मिनट सप्रा साहब की बात पूरी हो जाए सर, सप्रा साहब की बात पूरी हो जाए सर, एक मिनट कर अपने सप्रा साहब की बात पूरी हो जाए। जिस तरह से और भारतीय जनता पार्टी के नेता, चाहे वो गिरिराज सिंह है, चाहे वो साक्षी महाराज है, ये सभी लोग कर रहे हैं, इनको भी अपने शब्दों पर जरा ध्यान देना चाहिए, इनको भी सत्ताधारी पार्टी को भी अपने वक्तव्य में। अच्छा ठीक है, अब राहुल गांधी की बात नहीं करेंगे, एक मिनट, हम ये बात नहीं करेंगे, अब हम राहुल गांधी की बात नहीं करेंगे, मैं कुछ दूसरी बात करना चाहता हूँ। डिबेट में कम वक्त बचा है, हम ये मुद्दे की मुद्दा उठाएंगे, हम ये मुद्दा उठाएंगे। राहुल गांधी की बात नहीं करेंगे, आर्मी की अपनी ताकत, साहब हम राहुल गांधी के बयान की बात नहीं करेंगे। हफीज सईद को कहा गया है पाकिस्तान में कि उसको देश से बाहर निकालो, इस पर रिएक्शन दीजिए, एक मिनट, हमारे देश की आर्मी, इस पर रिएक्शन दीजिए सप्रा साहब। हफीज सईद को कहा गया है देश से बाहर निकालो, पाकिस्तान में आवाज उठी है, इस पर रिएक्शन दीजिए, इस पर कांग्रेस का क्या रिएक्शन है बताइए, बताइए। हफीज सईद को यूएस ने उसके ऊपर $10 मिलियन का इनाम रखा है। भारत की सरकारें, वो चाहे कांग्रेस की रही है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की रही है, ये हमारी हमेशा मांग रही है, उनको तो कल के बदले यही सवाल मेरा था तो भी हम सर यही सवाल था मेरा का हम स्वागत करेंगे सर, यही सवाल था मेरा अगला, क्या आपकी सरकार में या किसी सरकार में कभी पाकिस्तान ने कबूला की हम आतंकवादियों को पाल पोस करेंगे? क्या कहा है उनके लॉ मेकर्स ने, कहा है उनके लॉ मेकर्स ने कि विच एक्स आर हफीज सईद लेइंग फॉर अस दैट वी आर नर्चरिंग हिम, इसका क्या मतलब होता है सर? इतने तो पढ़े लिखे आप भी हैं। अरे भाई साहब, अनेक बार कहा है लेकिन वो करके दिखाए। परवेज मुशर्रफ ने वाजपेयी जी के साथ जो समझौता किया था, जो लिखा था सारा कुछ, उसमें कुछ पालन हुआ? शिमला एग्रीमेंट का कुछ पालन हुआ? कहा पाकिस्तान की बातों पर विश्वास करके और आप बहस कर रहे हैं इसके ऊपर, मतलब आपको पाकिस्तान, चलिए मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूं, मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूं, मुझे विश्वास है कि शायद पाकिस्तान इतने दबाव में है कि उसको अपने यहां कुछ करना पड़ेगा, और जो खबरें छन के आ रही है लगातार ये दिख रहा है कि अब वहां की लीडरशिप पे ये प्रेशर है। लेकिन क्या इस, अब मैं राहुल गांधी की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, और कोई राहुल गांधी का जिक्र ना करे तो ज्यादा अच्छा है। नरेंद्र तनेजा, क्या इस माहौल को आगे, इस टेम्प, आपको लगता है कि माहौल बहुत अच्छा बन गया और इसको आगे ले जाने की जरूरत है? क्योंकि लग रहा, आपको लगता है कि पाकिस्तान के होश ठिकाने आ रहे हैं, या पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री जिसके होश कभी ठिकाने आएंगे ही नहीं? देखिए, भारत ने, पूरे देश ने, उसमें हर भारतीय शामिल है, सपला जी भी शामिल है, पूरे देश ने जिस हिसाब से एकता दिखाई है और अपनी होशियारी दिखाई है, कूटनीति ने काम किया है, आर्म फोर्सेस ने काम किया है, और मेरा यही सिर्फ आग्रह, हर आदमी उसका क्रेडिट ले। सपला साहब, आप भी लीजिए उसका क्रेडिट, जो सर्जिकल स्ट्राइक है आप भी क्रेडिट लीजिए, आप भी पोस्टर लगाइए, हम उसका स्वागत करते हैं, पूरे देश का। और जो भारत आज कर रहा है जिसमें सब शामिल है, वो जो आज ये सरकार कर रही है, भारत कर रहा है, वो ऐसी चीजें जिससे पाकिस्तान आज दहशत में है, वो काफी हद तक आइसोलेट हो चुका है। कूटनीति हमारी काम कर रही है, हमारी जो आर्म फोर्सेस काम कर रही है, हमारी पॉलिसी पूरी पाकिस्तान की काम कर रही है। अब ये समय है, ऐसा समय कि पहली बार इतिहास में मौका आया है हम पाकिस्तान को उसके गेम में शिकस्त दे सकते हैं, और जो वो टेरर एक्सपोर्ट करता था, टेरर फैक्ट्री, वो बंद कर सकते हैं। समय है, सियासत कृपया करके, समय कम है। सुशील पंडित, योर कमेंट, सुशील पंडित आपका रिएक्शन, एक मिनट आपको बोलिए थोड़ा। हाँ सपना साहब, एक मिनट सुनिए, ये सियासत का समय नहीं है, कंप्लीट कीजिए नरेंद्र ने, समय है कि देश एक आवाज में बोले और पाकिस्तान में टेरर कैंप को खत्म कराया जाए। सुशील पंडित, वाकई ये लगता है कि भारत ने एक बड़ी जीत हासिल की इन सब चीजों को देखते हुए। सपना साहब रिक्वेस्ट है मेरी, सुन लीजिए, दूसरों को सुन लीजिए। सपना साहब, एक छोटी सी जानकारी, सपना जी आप भी अगर पढ़ लें आप भी बहुत खुश होंगे, ये डॉन में एक रिपोर्ट छपी है, उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि वहां के फॉरेन सेक्रेटरी ने ब्रीफिंग के वक्त वहां के आर्मी एस्टेब्लिशमेंट को, यहां के पॉलिटिकल लीडरशिप को साफ साफ कहा कि आज उनकी डिप्लोमेसी क्यों फेल हुई है, क्यों पाकिस्तान एक कटघरे में अलग थलग पड़ गया है।
और उसको बाहर निकलना है, यदि अपनी विश्वसनीयता, अपनी प्रामाणिकता फिर से साबित करनी है तो क्या क्या करना होगा, और उसके चलते आपको विश्वास नहीं होगा। ये डॉन कह रहा है कि शाहबाज शरीफ ने जर्नल्स की तरफ मुंह करके कहा कि जब जब हमने हाफिज सईद या जैश ए मोहम्मद के नेताओं को पकड़ा है तब आपका डीप स्टेट आकर के उन्हें छुड़वाने की पैरवी करता रहा है। तो इस तरह की बातें आज पाकिस्तान जैसे बदहवास नॉन स्टेट एक्टर्स का जिक्र हो रहा है। और बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर किस तरह राजनीति चलती है, निर्णय लिए जाते हैं, इसका खुलासा हो रहा है। और ये हमारे लिए बहुत दिलचस्प विषय है, इसको समझना, इस पर काम करना, ये पूरे पॉलिटिकल क्लास का, लीडरशिप का, थॉट लीडर्स का, पॉलिसी एस्टैब्लिशमेंट का काम है। इस वक्त इस तरह की बातें अगर आपके सामने आती हैं तो आप अपनी रणनीति कैसे तय करेंगे, इसका एक सुनहरा अवसर है और इसको राजनीतिक तूतू मैमे में नहीं गवाना चाहिए। बीडी मिश्रा कुछ कहना चाह रहे हैं। सबरा साहब आऊंगा आपके पास, थोड़ा सा समय कम है, सबसे सबके पास जाना है। बीडी मिश्रा साहब, मैं यह कहना चाहता हूं हाँ। कि जो सर्जिकल स्ट्राइक का एक्शन हुआ है जिस पर एक विल पावर कोशिश करूंगा है सरकार ने, उससे आर्मी का बहुत हौसला बढ़ा था। लेकिन आज के दिन में जो प्रश्न उठ रहे हैं कि इसका सबूत पेश किया जाए, यह आर्मी को बड़ा नागवार गुजर रहा है। और मैं समझता हूं कि आज का दिन ऐसा है और माहौल ऐसा है कि आर्मी को यह न बाध्य किया जाए कि कोई सबूत पेश किए जाएं। अगर उनके पास सबूत हैं भी तो पेश करना आवश्यक नहीं है, और यह सियासत इस तरीके की न हो कि गवर्नमेंट को कंपेल किया जाए कि ऐसे सबूत पेश करने के लिए आर्मी को कहा जाए। यह बिल्कुल नेशन के इंटरेस्ट में नहीं होगा, आर्मी के इंटरेस्ट में नहीं होगा, न तो हमारे टैक्टिक्स के। और दूसरी बात यह है कि हमारी जो भी तैयारी हो रही है इस तैयारी के बारे में जिक्र न हो कि हम क्या करना चाहते हैं। पॉलिटिशियंस को इससे बाहर अपने को रखना चाहिए। और जिस बात का जिक्र कर रहे थे अभी सुशील पंडित, उसी का रेफरेंस लेते हुए मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि आखिर वो कह क्या रहे थे, और उसके बाद शशांक जी से कमेंट लूंगा। वो कह रहे थे फॉरेन सेक्रेटरी चौधरी ने अपने कंक्लूजन दिया अपनी रिप्रेजेंटेशन में, उसके बाद वहां पाकिस्तानी आर्मी के जनरल अख्तर ने पूछा व्हाट स्टेप्स कुड बी टेकन टू प्रिवेंट द ड्रिफ्ट टुवर्ड्स आइसोलेशन, यानी आइसोलेशन को दूर करने के लिए हमें क्या स्टेप उठाने चाहिए। तो क्या जवाब देते हैं वहां के फॉरेन सेक्रेटरी सबरा साहब, या सभी पैनलिस्ट या मेरे व्यूअर्स सुन लें, उनका जवाब सीधा था द प्रिंसिपल इंटरनेशनल डिमांड्स आर फॉर एक्शन अगेंस्ट मसूद अजहर एंड द जैश ए मोहम्मद, हाफिज सईद एंड द लश्कर ए तैयबा एंड द हक्कानी नेटवर्क। शशांक जी, इसका क्या मतलब निकाले जहां फॉरेन सेक्रेटरी कह रहा हो इस बात को? मैं दो तीन चीजें जरा कहना चाह रहा हूं। एक तो ये कि हम ये ना समझ लें कि वहां के विदेश सचिव ने यह बात कही है तो पाकिस्तान वहाँ इतनी तेजी से इस बात की तरफ आगे बढ़ेगा कि हम उसको कॉली लगा के बहुत खुशी जाहिर करें। हमको ये सोचना चाहिए कि पिछली बार जिस प्रकार से वाजपेयी जी और मुशर्रफ के बीच में एग्रीमेंट हुआ था उसमें अमेरिका का और चीन का बड़ा रोल रहा था पीछे से, इस बार भारत के अपने बलबूते पर ये सब काम करा गया है और सभी देश सामने निकल कर आए, खासकर हमारे पड़ोसी देश। ये बहुत बड़ी बात है जिसकी वजह से और सब देशों को भी आगे आना पड़ा है, तो हमको इसी चीज़ को आगे बढ़ाना है ताकि जो हालात पाकिस्तान के लिए बन रहे हैं वो उस तरह से चलते रहें। और दूसरा हमको ये भी ध्यान दिलाना है पाकिस्तान को कि अगर इस दिशा में नहीं चलेंगे तो दूसरा असर हो सकता है कि उनके अपने, जैसे हमारे कई एनालिस्ट ने कहा है कि वहाँ टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं उनके, क्योंकि अंदर इतना रोष भरा हुआ है लोगों में कि वो खुद खड़े हो रहे हैं। जैसे आपने बताया कई कई शहरों में पीओके में कई प्रदर्शन हुए कई जगहों पर, और जगहों पर एक बहुत बड़ी पार्टी तहरीक इंसाफ ने नवाज शरीफ के खिलाफ अभियान छेड़ा हुआ है, हालांकि वो भ्रष्टाचार का मामला उठा रहे हैं, लेकिन टाइमिंग बहुत अहम है। सबरा साहब 10 सेकंड ही देता हूं आपको, मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है, 10 सेकंड फिर नरेंद्र तनेजा आपके पास आता हूं माफी मांगने के लिए। मेरा यही कहना है कि अगर पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी ने जो कहा है उस पर अगर पाकिस्तानी हुकूमत अमल करती है तो बहुत अच्छी बात है,
लेकिन ऐसे होता दिखता नहीं, दिखता नहीं, ठीक है। मैं भी आपकी इस बात को मानता हूं, मैं भी इस बात को मानता हूं कि पाकिस्तान पर आंख मूंद के भरोसा मत करो, लेकिन लेकिन सबरा साहब नरेंद्र मैं कोशिश करूंगा, नवाज शरीफ उसको कितना आर्मी और आईएसआई को कितना दबा सकते हैं, ठीक है, इतनी काबिलियत नवाज शरीफ में और उनके। बहुत अच्छी बात है सबरा साहब, जाते जाते एक छोटा सा रिएक्शन, बात की क्या अफसोस है कि गलत बात निकल गई कांग्रेस से, कि प्रूफ कल सरकार ने कहा है, अफसोस है कांग्रेस से कुछ गलत बात निकल गई सबरा साहब, कांग्रेस उपाध्यक्ष से मिश्रा जी ये बात कभी कहे नहीं कि आज कोई प्रूफ मांग रहा है, गलत बात, अफसोस नरेंद्र जी आ रहा हूं, अफसोस है कहीं कोई गलत बात निकल गई, शब्द गलत थे, भावना कुछ भी हो सकती है, उसके पीछे आपका मुद्दा कुछ भी हो सकता है, लेकिन गलत शब्द निकल गए, नहीं होना चाहिए था ऐसा, ऐसी सियासत तो कम से कम नहीं होनी चाहिए थी सबरा साहब, हाँ या ना, आपका जो स्टैंड है आप बोल दीजिए, मैं आ रहा हूं नरेंद्र जी आपके, एक कोशिश करूंगा आपसे भी कमेंट लेने की, क्या फिर से कहिए, अफसोस है कि गलत शब्द निकल गए, गलत भाषा का यूज हो गया, कैन यू रिपीट, नहीं मैं इसमें ये बिल्कुल नहीं कहूंगा, क्योंकि मैंने सीक्वेंस दिखाई है आपको कि पिछले छह दिन में भारतीय जनता पार्टी के नेता किस तरह, फाइनल कंक्लूजन रिमार्क, रक्षा मंत्री जाकर के अपने गले में हार डलवाता है, ठीक है, तो स्वाभाविक बिल्कुल सही बात है, आपने जो मुद्दा उठाया उसका जवाब बीजेपी देगी, जवाब दीजिए नरेंद्र, पहले सत्ताधारी पार्टी पड़ेगी सभ्यता, नरेंद्र मैं आपको भारत सभ्यता और आचार संहिता है गौरव, यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की जनता ने जो कूटनीति राजनीति अपनाई है पाकिस्तान उससे दहशत में है, कांग्रेस पार्टी सरकार और देश का साथ देती कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, देश की जनता तय करेगी कौन किसके साथ है, हम फैसला देने वाले कोई नहीं होते, बहुत शुक्रिया सर आप सभी लोगों का, कांग्रेस दे बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, माफ कीजिए समय बिल्कुल खत्म हो चुका है, बिग स्टोरी बिग डिबेट में आज बस इतना ही, सियासत नहीं करेंगे सियासतदान तो क्या करेंगे, उनका तो पेशा है सियासत करना, लेकिन अपने पेशे में भी कोई मोरालिटी होती है, सवाल उस मोरालिटी पर उठ गया है, उस वक्त जब ये सारी बातें हो रही हो ऐसी सियासत होनी चाहिए थी जो राहुल गांधी ने की है, जवाब आप दीजिए, जवाब आप सोचिए, और जवाब देने का जब मौका आए तो उस वक्त चूकिएगा भी मत।